सो हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले ऐसे कॉलेज के बारे में जिसका खुद का परमानेंट कैंपस नहीं है लेकिन प्लेसमेंट्स में टॉप NITs को ये टक्कर देता है। सो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ IIIT वडोदरा के बारे में। आज हम लोग इसकी A to Z बातें कवर करेंगे। तुम लोगों ने यार क्या तो कॉमेंट किए हैं, इतने सारे कॉमेंट IIIT वडोदरा के लिए, तो मैंने कहा यार इसको कवर करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग बवाल कर दोगे कमेंट सेक्शन में। तो IIIT वडोदरा को आज हम लोग कवर करेंगे, इसके प्लेसमेंट्स, फीस स्ट्रक्चर, कितनी कट ऑफ जाती है, सारी बातें। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम लोग काफ़ी सारे कॉलेज रिव्यूज़ कवर करते हैं, ऑलरेडी हम काफ़ी सारे कवर कर चुके हैं एंड फ्यूचर में आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को स्टार्ट करो। तो गाइस, अब जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो 2013 में कॉलेज बना था, इसको नया कॉलेज आप बोल सकते हैं। लोकेशन की बात करूं तो वडोदरा गुजरात में आपको ये कॉलेज देखने को मिल जाता है। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट टाइप इसको दिया गया है। इसके अलावा इसको IIIV भी बोला जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग कैंपस की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल कोई परमानेंट कैंपस नहीं है IIIT वडोदरा का। भैया इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यार IIIT वडोदरा कॉलेज है लेकिन उसका कोई कैंपस फिलहाल नहीं है। यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट ईयर की क्लासेस हैं वो आपकी साबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लगाई जाती हैं। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपकी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर में है, वहाँ पे आपकी क्लासेस लगती हैं। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि अभी इसका फ़िलहाल में कोई कैंपस नहीं है। बताया जा रहा है कि नया कैंपस बनना है, 50 एकड़ का काफ़ी सुंदर कैंपस बनना है, तैयारी चालू है, लैंड वगैरह खरीद चुके हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे अभी टाइम लगेगा 1-2 साल। ऐसा बोला गया था कि इनका जो नया कैंपस है 2021 में बच्चों को शिफ्ट कर देंगे वहाँ पे, लेकिन यार ये लॉकडाउन और कोविड के चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गया है। एंड इसमें आप मान सकते हो कि 2-3 साल अभी लगेंगे यार प्रॉपर तरीके से कॉलेज को बनने में एंड शिफ्ट होने में। तो फिलहाल इसका खुद का कैंपस नहीं है, तो जहाँ पे क्लासेस वगैरह लगती हैं वो सारी वेल इक्विप्ड क्लासेस हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी कहीं भी क्लासेस लग रही हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे समझना ये है कि अभी फिलहाल में कोई परमानेंट कैंपस नहीं है, आने वाले टाइम में 1-2 साल में डेफिनेटली 50 एकड़ का काफ़ी सुंदर IIIT वडोदरा का आपको कैंपस देखने को मिल जाएगा। रैंकिंग की बात करें तो NIRF में इसको फिलहाल कोई भी रैंक नहीं दी गई है, क्योंकि यार ये नया कॉलेज है, 2013 में बना है, तो अभी इसकी रेपुटेशन बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कनेक्टिविटी की यहाँ पे हम लोग बात करें तो 4 किलोमीटर के आसपास आपको एयरपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर मैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो अहमदाबाद जंक्शन आपको 32 किलोमीटर दूर देखने को मिल जाता है, तो कनेक्टिविटी भी ठीक ठाक है। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1.97 लाख, करीबन 2 लाख के आसपास आपकी 1 साल की ट्यूशन फीस चली जाती है। इसमें जो अदर चार्जेस हैं सारे इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा हॉस्टल की बात करूं तो 44,000 के आसपास आपको पर ईयर का यहाँ पे हॉस्टल का खर्चा देखने को मिल जाता है। मैस की बात करें तो 33,000 के आसपास आपकी मैस का खर्चा यहाँ पे चले जाता है। अगर मैं टोटल बात करूं 1 साल का तो करीबन 2.8 लाख के आसपास यहाँ पे आपका 1 साल का खर्चा चले जाता है। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को थोड़ा सा महंगा लग सकता है कॉलेज, जो कि है भी। इसके अलावा हम लोग फी वेवर की बात करें तो फिलहाल यार IIIT वडोदरा में कोई भी फी वेवर नहीं मिलता है। अगर आप ST/ST स्टूडेंट हैं तो भी यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का ट्यूशन फी वेवर नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा यार काफ़ी तरीके की आपकी स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है, जैसे मध्य प्रदेश में आपकी मेधावी योजना होती है, इसी तरीके से हर स्टेट की अलग अलग यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, स्कॉलरशिप्स होती हैं। उसमें ऐसा रहता है कि अगर आप JEE में अच्छा खासा स्कोर करते हैं, अच्छी खासी रैंक लेके आते हैं, तो गवर्नमेंट की साइड से आपको कुछ यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो वही है यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो BTech के लिए आपको JEE मेंस देना पड़ता है। यहाँ पे काउंसलिंग की बात करें तो JOSA एंड CSAP काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। MTech के लिए आपको GATE देना पड़ता है। अगर आप PhD करना चाहते हैं तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। कोर्सेज ऑफर्ड की बात करें तो BTech में सिर्फ आपको 2 ब्रांच देखने को मिलती है, एक कंप्यूटर साइंस और एक आपकी IT ब्रांच। अब गाइस बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, तो मैंने हर कैटेगरी की कट ऑफ डाली है यहाँ पे। अगर आप फीमेल हैं तो भी आपको फीमेल की कट ऑफ भी देखने को मिल जाएगी। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 21,000 के आसपास आपको रैंक चाहिए होती है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अगर आप EWS से हैं तो आप देख सकते हैं, OBC से आप देख सकते हैं, ST/SC हर तरीके की कट ऑफ यहाँ पे है अवेलेबल। अगर आपको और थोड़ा जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस PDF का लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके आराम से चेक कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में, तो प्लेसमेंट्स यार काफ़ी बढ़िया हैं। एवरेज पैकेज 13 लाख का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 13 लाख एवरेज पैकेज काफ़ी अच्छा एवरेज पैकेज माना जाता है। आपको ये कॉलेज 21,000 रैंक में मिल रहा है JEE मेंस की, उसके हिसाब से यार प्लेसमेंट्स काफ़ी बढ़िया हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 43 लाख का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाता है। अब गाइज यहाँ पे 2 ब्रांच हैं एंड दोनों में 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ पे रहा है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है।
इसके अलावा यहाँ पे आपको इंटरनेशनल ऑफर्स भी मिलते हैं, जैसे जापान, जर्मनी, मलेशिया से भी काफ़ी कंपनीज़ विजिट करती हैं जो कि प्लेसमेंट देती हैं आपको। टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज़ की यहाँ पे मैं बात करूँ तो अडोबी, अमेजोन, ICICI बैंक, मैथवर्क, क्विकर जैसी काफ़ी ऐसी टॉप रिक्रूटर कंपनी यहाँ पे आती हैं जो कि काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे आपको देती हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊँ कि आज से 3 साल पहले हम बात करें IIIT वडोदरा की, तो यार प्लेसमेंट इतने अच्छे नहीं थे। अमेजोन, अडोबी जैसी कंपनी अभी अभी आना स्टार्ट की हैं, तो यहाँ पे आप मान सकते हैं कि ग्रोथ धीरे धीरे अभी कॉलेज की स्टार्ट हुई है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दूँ तो 2019 में यार आपका 6 लाख एवरेज पैकेज था, ठीक है, 6.4 लाख 2019 में, 2020 में सीधे 13 लाख। एवरेज पैकेज डबल होना बहुत बड़ी बात होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6.4 लाख से डायरेक्ट 13 लाख पे इसने एवरेज पैकेज जंप मार रहा है। यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 2019 में मात्र 15 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज था, 2020 में बात पहुँच चुकी है 43 लाख पे। ये मैं आपको क्यों बताता हूँ, पुराने स्टेट्स बताने का मेरा यही मकसद है कि आपको पता चले कि इंस्टीट्यूट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो यार ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है। इसके प्लेसमेंट्स के कारण ही ये IIIT वडोदरा चर्चे में है। ठीक है, अगर इसके प्लेसमेंट अच्छे नहीं होते तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट नहीं करते। अगर मैं यहाँ पे प्री प्लेसमेंट ऑफर की बात करूँ, जो PPO रहता है, करीबन 25 से 30 बच्चों को हर साल यहाँ पे PPO मिल जाता है। काफ़ी कंपनीज़ विजिट करती है इंटर्नशिप के लिए, काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपको अच्छी खासी इंटर्नशिप मिल जाए। आप इंटर्नशिप अच्छे से करते हैं तो वही कंपनी आपको यहाँ पे PPO भी दे देती है, तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कॉलेज में। अब गाइस बात करते हैं हॉस्टल्स के बारे में, तो ये एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि IIIT वडोदरा का खुद का कैंपस नहीं है, तो ये जो हॉस्टल रहते हैं ये कैंपस से 30 किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन आपको ट्रैवल की यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड की जाती है। हॉस्टल्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि कैंपस का खुद का हॉस्टल नहीं है तो ऐसे ही होगा, नहीं यार, हॉस्टल काफ़ी वेल फर्निश्ड है, आपको टेबल, फैन, चेयर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वेल मेंटेन्ड हॉस्टल हैं। जहाँ तक मैंने बच्चों से बात की तो मुझे उनने बताया कि लोग बोलते हैं खुद का कैंपस नहीं है, लेकिन उनको फील ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ भी है। ठीक है, वो लोग नॉर्मल है, सब वहाँ पे बोला जाता है कि क्लासेस बराबर लग रही हैं, रहने के लिए हॉस्टल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो उनको ऐसा नहीं फील होता है, एक जगह फील होता है जहाँ उनको ट्रैवल करना पड़ता है। मैं बताऊँगा उसके बारे में। RO प्लांट वगैरह वाटर के लिए लगा हुआ है, आपको ट्रिपल शेयरिंग रूम मिलता है, आपको शेयर करना पड़ता है रूम, नाइट कैंटीन 2 बजे तक खुला रहता है। इसके अलावा आपको इंटरनेट, वाईफाई, टेलीविजन DTH कनेक्शन के साथ मिल जाता है। इसी के साथ साथ आपको डाइनिंग हॉल मिलता है जहाँ पे आप लंच और डिनर वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे जिम अवेलेबल है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट फ्लोर्स पे। स्पोर्ट्स की बात करें तो आपको टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, चेस जैसी सुविधा हॉस्टल में मिल जाती है। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, अगर आपका एक रूम वगैरह रहता है जहाँ पे आपके 3-4 इक्विपमेंट्स रहते हैं, अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। कर्फ्यू टाइमिंग की बात करें तो 11 बजे हॉस्टल का बताया गया है, लेकिन काफ़ी ऐसी खुफिया खिड़कियाँ हैं, ठीक है, खिड़कियाँ या गेट आप बोल दो, जहाँ से आप समझ जाओ, ठीक है, मैं आगे नहीं बताऊँगा। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी टाइट है ना, बच के जाना, नहीं तो खुफिया खिड़की भी कभी कभी धोखा दे देती है। हाउसकीपिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी व्हीकल मिल जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 33 किलोमीटर दूर है आपका हॉस्टल कैंपस से, तो आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है कॉलेज की साइड से। हॉस्टल से यार काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, क्लीनलीनेस वगैरह सारी मेंटेन होती है, आपके क्लीनर्स वगैरह आते हैं वॉश वगैरह करने के लिए सारी चीज़ें। इसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी आपको वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट जैसी मिल जाती हैं, क्योंकि यार परमानेंट कैंपस नहीं है यहाँ पे, तो आपको उतनी ज़्यादा अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं मिलती है, बस आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे करना पड़ता है। इन शॉर्ट हम लोग हॉस्टल्स की बात करें तो आपकी हॉस्टल लाइफ काफ़ी बढ़िया जाती है, काफ़ी इन्जॉय करते हैं लोग वहाँ पे, बस यहाँ पे ट्रैवल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको ट्रैवल करना पड़ता है हर दिन आना जाना 66 किलोमीटर के आसपास, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी हॉस्टल्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है। मेस की बात करें तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी बताई गई है मेस की, आपको वेज एंड नॉन वेज दोनों तरीके के फूड अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे बताया गया कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको यहाँ पे दिन में 1-2 बार तो एग्स के आइटम्स रहते हैं, तो अगर आप एग्स वगैरह आपको पसंद है तो आप डेफिनेटली आपको मेस पसंद आने वाली है। अब गाइस बात करते हैं IIIT वडोदरा की कुछ अच्छी बातें। सबसे पहली बात यार, फास्टेस्ट ग्रोइंग IIIT में आता है, जैसे कि मैंने बताया 2019 में 6 लाख के आसपास पैकेज था, 2020 में 13 लाख गया है, सीधे डबल हो गया है प्लेसमेंट्स, तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इसके अलावा गाइस कॉलेज 100% रैगिंग फ्री है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। वैसे आज के टाइम पे रैगिंग वैसे देखने को नहीं मिलती है कहीं भी। इसके अलावा जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी बात लगी, यहाँ पे एक आपका गेमिंग क्लब देखने को मिल जाता है जिसका नाम है आर्केडिया, अगर आप ई स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है 50,000 पर सेमेस्टर, तो ये मैंने कहीं नहीं देखा यार कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है ना। मैंने पर्सनली किसी कॉलेज, इतने सारे कॉलेज रिव्यूज़ किए हैं, किसी में भी नहीं देखा कि आपको कॉलेज की साइड से मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है,
तो ये भी यार काफी अच्छी बात है, 50,000 का आपको हर सेमेस्टर एक इंश्योरेंस मिलता है। कोडिंग कल्चर की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हर हफ्ते कोई ना कोई कॉन्टेस्ट होता रहता है, काफी सारे प्राइजेस होते हैं, हैकेथॉन्स होते हैं। तो आईटी और कंप्यूटर साइंस ब्रांच सिर्फ दो ब्रांच यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसके कारण यार कोडिंग कल्चर काफ़ी बढ़िया कॉलेज में बना रहता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे फैकल्टीज़ की बात करूँ तो हाईली क्वालिफाइड एंड काफ़ी सारे पीएचडी होल्डर्स हैं। नेक्स्ट जो बात यहाँ पे आती है कि IIIT वडोदरा का काफ़ी बढ़िया करिकुलम है, जैसे IIIT हैदराबाद में फॉलो होता है वैसे यार करिकुलम यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है। एंड बेस्ट पार्ट मालूम है क्या है कि आपको फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ना पड़ता। अभी आप कॉलेज में नहीं आए हो, जो आपके कॉलेज में हैं पहले से फ्रेंड्स वगैरह उनसे पूछो कि कितना दर्दनाक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो आपको नहीं पढ़ना पड़ता है, तो काफ़ी अच्छी बात ही है। इसके अलावा सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, कोई रैगिंग वगैरह नहीं होती है, आपको काफ़ी हेल्प करते हैं, कोडिंग के काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं सीनियर्स, तो ये काफ़ी अच्छा माहौल बना रहता है कॉलेज में। अब गाइस यहाँ पे फेस्ट की बात कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं PDF में काफ़ी तरीके के फेस्ट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे कमिटीज़ की बात करूँ तो काफ़ी तरीके की कमिटीज़ हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर क्लब्स की बात करूँ तो कोडिंग क्लब, डिज़ाइन क्लब, गेमिंग क्लब, एथलेटिक्स क्लब, काफ़ी तरीके के क्लब्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग कॉन्स की बात करें, जो कि काफ़ी लोगों के लिए हो सकते हैं काफ़ी लोगों के लिए नहीं हो सकते हैं, सबसे पहली बात आती है कि खुद का परमानेंट कैंपस नहीं है, लेकिन 50 एकड़ का ज़मीन खरीदा गया है, उस पर बनाने की देरी है और शिफ्ट करने की देरी है, तो आने वाले 2-3 साल में आपको डेफिनेटली इनका परमानेंट कैंपस देखने को मिल जाएगा। लेकिन बच्चों से मैंने बात की है, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक चीज़ है कि आपको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है कॉलेज सिटी के बाहर में, तो यहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है, आपके दिन के 1.5 से 2 घंटे ख़राब हो जाते हैं मात्र ट्रैवल करने में, तो यहाँ पे आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं जब आप कैंपस से हॉस्टल आ रहे होते हैं, तो ये आपका दिन का 1-1.5 घंटा ट्रैवल में निकल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमको टॉप NITs एंड IIIIs में देखने को मिलती है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई है एंड यहाँ पे कोई भी फीवर नहीं मिलता है, तो जैसे अगर आप ST SC स्टूडेंट हैं एंड आपको फीवर चाहिए या फिर अगर आपकी इनकम कम है, ठीक है, तो यार यहाँ पे कोई भी तरीके का यहाँ पे फीवर नहीं मिलता है, तो ये भी किसी किसी बच्चे के लिए कौन हो सकता है। सो गाइज अब ओवरऑल बात करें हम लोग तो IIIT वडोदरा के प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है हमको। नया कॉलेज है, थोड़ा बहुत तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बाकी चांसेस काफ़ी अच्छे हैं कि आने वाले टाइम में प्लेसमेंट्स और बेटर होंगे। प्लस यार इसका कैंपस जब शिफ्ट हो जाएगा तब तो यार सारी टेंशन ही खत्म हो जाएंगी। तो 50 एकड़ का कैंपस लिया गया है एंड बनाने की देरी है, शिफ्ट करने की देरी है, अब ये कब तक होता है यार वो देखो। सो गाइज ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको और कोई डाउट आता है, किसी भी तरीके की बात मुझसे करनी हो, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं RMeghwani पे, तो आप बिल्कुल वहाँ पे आइए, मैसेज कीजिए, मैं डेफिनेटली सबको रिप्लाई करता हूँ। एंड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, कमेंट करके बताओ कि कौन से नेक्स्ट कॉलेजेस के ऊपर आपको रिव्यू चाहिए, मैं कमेंट से ही बनाता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ। तो IIIT वडोदरा के लिए तो बहुत लोगों ने नीचे बवाल कर दिया था, तो मैंने कहा यार इसको बनाओ सबसे पहले। इसी के साथ यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ, पीस आउट।